तक इंदिरा गांधी की लोकसभा की सीट रद्द हो चुकी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने तक छूट तो दी थी, लेकिन सदन में वोट करने के अधिकार से वंचित कर दिया था। वहीं दिल्ली में जयप्रकाश नारायण एक बड़ी रैली करने वाले थे, कांग्रेस में खलबली थी, इतिहास एक दोराहे पर खड़ा था। मैंने ही उसमें पेटीशन बनाई थी और उसमें ये सब आरोप लगाए थे कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, और हुआ था, और हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया। अदालत के फैसले ने कांग्रेस में बेचैनी ला दी थी। 12 जून को श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनावी मुकदमे में न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया, जिसमें उनके चुनाव में बहुत सी अनियमितताएं पाई गईं और इससे देश में संकट और व्यापक हुआ। हर किसी को इंतजार था अगले कदम का। कांग्रेस की मुखालफत में पूरा विपक्ष एकजुट था। जो आहट है आने वाले जो इवेंट हुए जिसके चलते इमरजेंसी लगी, उसकी पहली आहट इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट से लगी थी, क्योंकि उनके सामने दो ही विकल्प बचे थे कि या तो प्रधानमंत्री पद छोड़ दें या फिर अगर अपील भी करनी है सुप्रीम कोर्ट में तो एक बार उनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। जो अपोजिशन पार्टीज थी वो एक ऐसा देश का माहौल बना रही थी, ऐसा माहौल बना रही थी कि इसमें ना डिसिप्लिन था, ना कोई किसी का, एक तरह से सिविल डिसोबीडियंस की बात थी। और उसके बाद जब जेपी मूवमेंट शुरू हुआ और उसमें सारे उनके सोशलिस्ट पार्टी के सारे लीडरान उस वक्त तो बहुत कदावर नेता थे, मधुलमाय और जयनारायण राज नारायण सिंह जी और बहुत से लोग, तो वो मतलब वो सब इकट्ठे हो गए। और वो जब इकट्ठे हो गए तो फिर, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि देश का नौजवान उनके साथ लग गया। 25 जून दोपहर नई दिल्ली रामलीला मैदान में रैली का नेतृत्व कर रहे थे जय प्रकाश नारायण। हजारों की तादाद में सत्याग्रही जाएंगे, उन सत्याग्रहियों में जय प्रकाश नारायण भी होगा। मैं भी सत्याग्रह उस दिन करूंगा और वहां चाहे मेरी गिरफ्तारी हो चाहे जो भी हो, अब न्याय होगा, जमाना पलटा है, ये क्रांति होगी, ये सारा संघर्ष करेगा। उनकी अपील पर रामलीला मैदान में 5 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। हर तरफ चेहरे ही चेहरे, भीड़ ही भीड़। 25 जून को जो रामलीला मैदान में जयप्रकाश जी की रैली हुई, उस महान बगावती मीटिंग ने इंदिरा जी और उनके तमाम सहयोगियों के होश उड़ा दिए। रामलीला मैदान की रैली में जयप्रकाश नारायण ने कहा कि अगर कोर्ट के फैसले के बाद भी इंदिरा गांधी अपना इस्तीफा नहीं देती तो प्रधानमंत्री निवास का घेराव होगा। इसी रैली में लोकनायक ने कहा सिंहासन खाली करो, और इसी रैली में जेपी ने लाखों लोगों के सामने पुलिस और फौज को कहा था कि अगर सरकार का कोई फैसला गलत लगे तो उसे नहीं माने। हमारे साथ इस आंदोलन के साथ सहयोग करो, अपनी ड्यूटी भी करो, जितना हुक्म होता है तुमको उतना करो, लेकिन जो हुक्म ऐसा हो जो तुम्हारी आत्मा के खिलाफ हो, तुम्हारी जमीर के खिलाफ हो, अनैतिक हो, उस हुक्म को हरगिज मत मान लो। ये तो महात्मा गांधी जी का हुक्म था अंग्रेजी राज के जमाने में। 25 जून को रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली हुई थी और जिसमें सभी उस समय के नेता थे ही, लेकिन जयप्रकाश जी का जो भाषण हुआ था उस दिन वो ऐतिहासिक था। और उसमें जो उन्होंने कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है,
मैं समझता हूँ कि वो उस आंदोलन का एक ऐसा नारा था जिसने उस समय की सरकार को हिला के रख दिया। जेपी के इस आह्वान को सरकार ने सेना को बगावत के लिए उकसाने के बराबर माना। सेना और पुलिस जनता के सेवक है, सत्ता में बैठे हुए लोगों के सेवक नहीं है, तो इसलिए संविधान विरोधी जन विरोधी आदेश को पालन नहीं करना चाहिए, ऐसे जेपी ने एक ऐलान किया। तो इस कारण से संघर्ष में आंदोलन में और तेज गति उसको प्राप्त हो गई, तो सरकार को कंपन शुरू हो गया। जानबूझकर प्रचार दुष्प्रचार हुआ कि उन्होंने आर्मी को कहा कि विद्रोह करो, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि न्यूरनबर्ग ट्रायल्स हिटलर के शाही के बाद जो हुई थी उसमें फैसला हुआ था कि कोई अवैध या इलीगल ऑर्डर दी जाए आपको, जैसे मिलिट्री को यह कहा जाए कि तुम इस देश की सारे कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लो, तो ये अवैध होगा, इसका आपको पालन करने की आवश्यकता नहीं है। एक जना इस हद तक गया कि अगर फौजी किसी हुक्म को गलत समझें तो उसको न माने। यह कार्यक्रम इस महीने के 29 तारीख से शुरू होने वाला था। हमें ज़रा भी संदेह नहीं कि ऐसा कार्यक्रम शांति और आर्थिक स्थिति को घोर खतरा पैदा करता। ये एक जना जो इंदिरा के शब्दों में इस हद तक गया, वो और नहीं खुद जयप्रकाश नारायण थे। वही जेपी जिन्हें नेहरू खुद हिंदुस्तान का उप प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, वही जेपी जो इंदिरा को मेरी प्यारी इंदू कहकर सलाह दिया करते थे, वही जेपी जिन्हें जनता संत समान दर्जा देती थी, वही जेपी जिन्होंने कभी कुर्सी नहीं चाही। जयप्रकाश जी का अपना राजनीतिक स्वार्थ तो कुछ है ही नहीं, उनको तो कुछ चाहिए नहीं, और जयप्रकाश जी का व्यक्तित्व सेवाभावी है, निष्पक्ष है, दलों से ऊपर है। ये तो 1953 से लेकर 1974 तक का इतिहास स्वयं में साक्षी था। बिहार के पूरे अकाल के समय बिहार रिलीफ कमेटी के तत्वावधान में जयप्रकाश जी द्वारा किया योगदान उनके व्यक्तित्व को तो सब राजनेताओं से ऊपर बना ही रहा था। जेपी का एक नया जो ख्याल था, नया विचार था, अब लोग उसके पीछे थे कि हाँ भाई यही जेपी कुछ कर सकता है, इसलिए उसके पीछे लगे, क्योंकि जेपी एक नया विचार, नया ख्याल, उसकी नई रोशनी उस वो रिप्रेजेंट करता था। जेपी हमारे राष्ट्र के नेता थे, कांग्रेसी थे, उनका बड़ा नाम था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके दोस्त थे, उनकी इज्जत करते थे, लेकिन जेपी को मजबूरन कांग्रेस को चुनौती देनी पड़ी देश को बचाने के लिए। जेपी की रैली में क्या हो रहा था, इसकी पल पल की जानकारी इंदिरा को मिल रही थी। जब मीटिंग होने के बाद जेपी ने कहा मेरे साथ खाने के लिए चलो, तो गांधी पीस फाउंडेशन गए, तो मैं 12 बजे तक था, और मेरा वो मुझे पूछ रहे थे क्या लगता है आपको ये सारी परिस्थितियों में। मैंने कहा मुझे लगता है कि मिलिट्री रूल लगेगी, और उन्होंने कहा नहीं नहीं लग सकती है, इतनी पब्लिक की उत्साह हो गई है, ये डरेगी करेगी नहीं, बड़ा विरोध विद्रोह हो जाएगा, वो नहीं करेगी। मैंने कहा मुझे नहीं लगता, उसका तो जान का सवाल है, अब यानी सारा राजनीतिक जीवन का सवाल है, तो करेगी जरूर। 25 जून 1975 शाम 7 बजे एक सफदरजंग रोड नई दिल्ली। एक सफदरजंग रोड पर इंदिरा गांधी के करीबियों की एक बैठक चल रही थी। इस बैठक में उनके सलाहकार थे दिल्ली के उपराज्यपाल कृष्णचंदर, हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ओम मेहता। शाम 7 बजे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे भी उनके निवास पर पहुंच गए। 28 जनवरी 1975 को सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में आपातकाल की तैयारियों का जिक्र था और साथ ही उन लोगों के नामों की लिस्ट थी जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। दस्तावेजों के मुताबिक सिद्धार्थ शंकर रे ने पहले ही
देश के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को आनंद मार्ग और आरएसएस के प्रमुख लोगों की गिरफ्तारी के लिए लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी दे रखी थी। उस शाम ये लोग उस लिस्ट में बस कुछ जोड़ घटाव कर रहे थे। छह महीने इमरजेंसी से पहले उन्होंने सोचा था इमरजेंसी इम्पोज करने के लिए, और ये साफ बता क्लियर होता है, सिद्धार्थ शंकर रे ने एक चिट्ठी लिखा है इंदिरा गांधी को, सारे स्टेप्स बताए जो करना चाहिए इंटरनल इमरजेंसी करने के लिए। ऑपोजिशन को अरेस्ट करना है, सेंसरशिप को ले आना है, चीफ मिनिस्टर्स को सीक्रेटली बताना, कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना था। वो छः महीने पहले उन्होंने ये वैसे सेकंड थॉट्स हुआ था और उन्होंने इमरजेंसी नहीं इम्पोज किया। सिद्धार्थ शंकर रे ने छः महीने पहले से ही उनको ये सुझाव दिया था कि वो अचानक वाली बात नहीं थी, पहले से ही किसी ने उनको बोला था कि अभी आपको सख्त कदम लेना पड़ेगा, ऑर्डिनेंस निकाल लें, ये कर ले वो कर ले। लेकिन राजनीतिक जवाब तैयारी के साथ देने की अलग चुनौती सामने आ खड़ी हुई थी। इस बैठक में संवैधानिक जवाब देने का ही मसौदा तैयार किया जा रहा था। इस मसौदे में आगे के कदमों का जिक्र था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सिद्धार्थ शंकर रे राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से ये मुलाकात महज 20 मिनट रही। इंदिरा गांधी ने जेपी की रैली के बाद खराब होते हालात के बारे में राष्ट्रपति को बताया। तय हुआ कि राष्ट्रपति को एक अनुरोध पत्र लिखित में दिया जाएगा और साथ ही क्या करना है ये भी उसमें लिखा हुआ होगा। उस रात को जो मेन प्लेयर्स थे, संजय गांधी था, लेफ्टिनेंट गवर्नर देन लेफ्टिनेंट गवर्नर किशन चंद था, उनके स्पेशल असिस्टेंट नवीन चावला था, मिसेस गांधी के पर्सनल असिस्टेंट आर के धवन था, ये लोग सब कंस्पिरेसी कर रहे थे। 25 जून 1975 रात 11:20। इंदिरा गांधी के सचिव आर के धवन एक बार फिर राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उनके हाथ में चिट्ठी थी, प्रधानमंत्री की चिट्ठी राष्ट्रपति के नाम। यही वो मसौदा था जिसे प्रधानमंत्री निवास में शाम से तैयार किया जा रहा था। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री निवास से आए तयशुदा लिखित कागज पर दस्तखत कर दिए, लेकिन अभी जद्दोजहद खत्म नहीं हुई थी। हस्ताक्षर के बाद ये तय करना था कि अब देश की जनता को क्या कहना है। देर तक इसी बात पर माथा पच्ची होती रही। वो लिस्ट सब बन रही थी, दिल्ली ऑफिशियल्स लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऑर्डर्स दिया था सीक्रेटली, कांग्रेस चीफ मिनिस्टर्स को भी बताया था कि आपके स्टेट्स में लोग को अरेस्ट कर लेना। और हुआ वही जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तयशुदा कदम उठाए जाने लगे थे, सोते हुए लोगों को जगाकर कहीं और ले जाया जाने लगा था। हर तरफ गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी। रात के 12 बजे के अंधेरे से लेकर और रात के 2 बजे तक और सुबह 4 बजे के बीच में, इन 4 घंटों में जो घटनाक्रम हुआ, सारे लीडर उठा लिए गए और बिजली काट दी गई, अखबारें नहीं छप सके और अगले दिन लगभग ठप था, सब अखबारों के दफ्तर ठप थे। और उसके बाद तुरंत जो है वो इमरजेंसी के साथ साथ ये आपका सेंसर लगा दिया गया और सेंसर अधिकारी नियुक्त हो गए। ठीक इसी वक्त दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग की बिजली चली गई। इसी इलाके में ज्यादातर अखबारों के दफ्तर थे, अखबारों के प्रिंटिंग प्रेस थे, अखबारों की प्रिंटिंग
रुक गई, अखबार नहीं निकल पाए। अपने दफ्तर से एक्सप्रेस में काम करता था तो वहां से फोन आया कि जी ये पुलिस वाले जो वैन होते हैं ना अखबार डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, अखबार के लिए, वैनों को जाने नहीं दे रहे। मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे? तो कहते हैं जी पुलिस कहती है कि एमरजेंसी लग गई। फिर बाद में जब पता चला कि ये तो सब एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी, जिसमें कि भाई प्रेस को गैग कर दिया गया, लोगों को पकड़ लिया गया और जो अपोजिशन सब लीडरों को कैद कर लिया गया, और ना सिर्फ ये कि फंडामेंटल राइट्स तक जो सस्पेंड कर दिए गए। 25 जून 1975 रात के 2:30 बजे गांधी शांति प्रतिष्ठान। वो काली अंधेरी रात बहुत लंबी थी। रात के करीब 2:30 बजे थे। जयप्रकाश नारायण रामलीला मैदान की रैली में हिस्सा लेकर लौटे और यहीं गांधी शांति प्रतिष्ठान में आराम कर रहे थे। तभी उन्हें नींद से जगाया गया। देश के सबसे बड़े गांधीवादी नेता को आज़ादी के बाद एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे डालने की तैयारियां हो चुकी थी। जो जयप्रकाश जी ने को जब गिरफ्तार किया जा रहा था 26 जून 1975 की सुबह, और उन्होंने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो बहुत सही वक्तव्य था। तो क्या इंदिरा ने जेपी के भाषण से पहले ही आपातकाल लागू करने का मन बना लिया था? और अगर हाँ तो इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी और राष्ट्रपति के सहमति की जरूरत थी। छब्बीस जून 1975 सुबह के 3 बजे एक सफदरजंग रोड। इंदिरा गांधी अपने करीबियों के साथ ये तय कर रही थी कि लोगों को आपातकाल का मतलब और उसका मकसद कैसे समझाया जाए। सुबह के 3 बजे तक देवकांत बरुआ, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इंदिरा गांधी और सिद्धार्थ शंकर रे ये फैसला कर रहे थे कि लोगों को आपातकाल का मतलब कैसे समझाया जाए। लेकिन 12 बजे के करीब फोन आया कि कंफर्म करो कि जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बीट रिपोर्टर क्राइम बीट पर होने के कारण ये हमारा ही काम था, लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम चला सारी रात, धरपकड़ चली और अखबारों की बिजली काट दी गई, और उसके कारण अखबार नहीं छप सके अगले दिन। केवल एक बिजी वर्गीस ने अपने अखबार को किसी तरह से कुछ कॉपी छापी और खाली अखबार और काला हाशिया बना दिया, जो अपने आप में एक संदेश था अगले दिन लोगों को देखकर कि कुछ हुआ है। क्योंकि इससे 3 घंटे पहले देश में आंतरिक आपातकाल लगा दिया गया था। राष्ट्र के नाम संदेश तैयार करने के बाद प्रधानमंत्री की ये बैठक खत्म हो गई। 4 तरफ बिना वारंट के गिरफ्तारियां हो रही थी। मुरारजी देसाई और चरण सिंह जैसे नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका था। जेपी को गांधी शांति प्रतिष्ठान से संसद मार्ग थाने लाया गया, लेकिन पुलिस अधिकारी उन्हें ये बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। बाद में जेपी को सोहना की सरहद पर गेस्ट हाउस में लाकर रखा गया। आखिरकार जेपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 107 लगाई गई। ये सेक्शन सड़क पर आवारा घूमने वालों पर लगाया जाता है। रात की बैठक में ये बात चली थी कि अगले दिन अखबार नहीं छपेंगे और देश के हाईकोर्ट भी बंद रहेंगे। शायद अखबारों की बिजली भी इसीलिए काटी गई थी। बहरहाल अगले दिन हाईकोर्ट तो खुले, लेकिन अखबार इक्का दुक्का ही छपे। 26 जून 1975 की सुबह 6 बजे कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इमरजेंसी मीटिंग में पहुंचने वाले मंत्रियों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि पिछले 6 घंटे में देश कितना बदल गया है। इमरजेंसी मीटिंग में
इंदिरा के 15 मंत्री शामिल हुए, लेकिन किसी भी मंत्री को इस बात की जानकारी नहीं थी कि आखिर ये इमरजेंसी मीटिंग किस लिए बुलाई गई है। थोड़ी देर के बाद इंदिरा ने अपने मंत्रियों को देश में आपातकाल की सूचना दी, कोई कुछ नहीं बोला। आपातकाल को लेकर इंदिरा का तर्क सिर्फ इतना था कि देश के अंदरूनी हालात पर काबू पाने के लिए आपातकाल लगाया गया है। सिर्फ एक मिनट के अंदर कैबिनेट ने इसे स्वीकार कर लिया। होम मिनिस्टर मिस्टर ब्रह्मानंद रेड्डी, उनको भी नहीं पता, बिल्कुल अंत में उनको पता लग गया और इनका कैबिनेट को बिल्कुल वॉज इन द डार्क। उन लोग को 6 बजे सुबह में बुलाया और बता दिया कि ये हो गया है, प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया है। तब इंदर कुमार गुजराल सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री थे, उनकी जगह ज्यादा विश्वस्त सिपाह साला विद्याचरण शुक्ल को सूचना और प्रसारण मंत्रालय का काम सौंपा गया। डीडी और एआईआर पर ऑन एयर जाने से पहले सभी खबरों को सेंसर करने के लिए एक सेंसर अफसर तैनात कर दिया गया। अखबारों में भी ऐसे सेंसर अधिकारी बिठाए गए थे जो हर खबर को चेक करने के बाद उसमें काट पीट कर ही उसको छपती थी। न्यूज़ के ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई थी, अखबारों को कहा गया था कि बगैर सेंसरशिप की कोई खबर नहीं छपेगी, और बीबीसी जिसमें मैं काम करता था, बीबीसी को कहा गया कि आपकी भी सेंसरशिप होगी। तो जो मार्क टली जो चीफ ऑफ ब्यूरो थे हमारे, उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी है बीबीसी की कि हम सेंसरशिप कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो शुक्ला जो हमारे मंत्री थे, सूचना मंत्री, उन्होंने कहा अगर आप सेंसरशिप को मानने को तैयार नहीं है तो आपको अपना दफ्तर यहाँ बंद करना पड़ेगा। तो हमने दफ्तर बंद कर दिया था और मार्क टली वापस चले गए। जिस तरह से सेंसरशिप, जिस तरह से अखबारों में हम लोग देखते थे कि वो या तो एडिटोरियल का जो की जो जगह थी वो खाली जा रही थी, कई जगहों पर कालिख से उसको मिटाया गया था कुछ खबरों को। 26 जून 1975 सुबह 8 बजे। 26 जून को लोगों ने आदतन समाचार सुनने के लिए सुबह 8 बजे रेडियो ऑन किया तो समाचार वाचक की जगह आवाज आई इंदिरा गांधी की, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। द प्रेसिडेंट हैज प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी। हिंदुस्तान के इतिहास में 25-26 जून कोई भूल नहीं सकता है। 40 साल पहले सत्ता सुख के खातिर देश को आपातकाल के बंधनों में बांध करके जेल खाना बना दिया गया था। देश में संपूर्ण क्रांति का सपना लेकर के चल रहे जयप्रकाश जी नारायण के नेतृत्व में लाखों देशभक्तों को, लोकतंत्र प्रेमियों को जेलों में बंद कर दिया गया था। अखबार पर ताले लग गए थे, रेडियो वही बोलता था जो सरकार बोलती थी। एक प्रकार से कहें तो लोकतंत्र को सस्पेंड कर दिया गया, नागरिक अधिकारों का हनन हो गया, उनको समाप्त कर दिया गया, मीडिया की स्वतंत्रता छीन ली गई, न्यायपालिका की प्राइमेसी और स्वतंत्रता छीन ली गई। ये वो काल था और मैं उसको इस देश के इतिहास में एक काला अध्याय मानता हूँ। ऐसे वो क्या हालात थे जिनकी वजह से ये कदम बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत कहना चाहिए, मेरा ख्याल है इंदिरा जी भी उनकी नीयत बिल्कुल साफ थी, वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकती थी जो देश के हित में ना हो। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि उस वक्त के हालात क्या बन गए थे जिसकी वजह से उस सरकार को मजबूरन ये अनहैप्पी कदम उठाना पड़ा। मुझे आज भी याद है कि 26 तारीख को सुबह जब हम लोग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विरोध सभा कर रहे थे तो उसके बाद विश्वविद्यालय के रेक्टर प्रोफेसर मुनीस रजा ने मुझको बुलाकर कहा कि बरखुदार, अब क्रिकेट का खेल ख़त्म हो गया है, ये असली और लंबी लड़ाई है, तैयारी करनी है तो उसकी तैयारी।
संविधान के अनुच्छेद 352 की सहायता से देश में आंतरिक आपातकाल लगाया गया था। इसका मतलब था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बिना रोक टोक के जब तक चाहे सत्ता में रह सकती थी। लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनावों की जरूरत नहीं थी। अखबार और मीडिया आजाद नहीं थे, उनमें वही बातें लिखी और पढ़ी जा सकती थी जिसे सरकार ने जारी किया हो। संसद में अपने बहुमत के आधार पर सरकार हर तरह के कानून पास करा सकती थी। इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में वो तमाम बातें कही थी जिसकी तैयारी पिछले कई महीनों से की जा रही थी और जिसे अंतिम रूप उन्होंने सुबह 3 बजे दिया था। वो साफ लफ्जों में इमरजेंसी और उसकी वजहों को लोगों को समझाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि सेना को सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है, इसलिए इमरजेंसी जरूरी है। 26 जून की सुबह सूरज तो निकला था, लेकिन यह आजाद भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों का अंधकार लेकर आया था, अंधकार आपातकाल का। उस दिन के अंधेरे में क्या हुआ, ये अंधेरा कितना लंबा चला, 19 महीने लंबी रात में कैसे हुआ जनतंत्र का दमन, जारी रहेगा आपातकाल का सच अगले अंक में।